ठीक है है मैम। गुड इवनिंग मैम। ये शेयर स्किन का ऑप्शन किधर आता है आप लोग बता सकते हैं? मैम आप स्क्रीन पे क्लिक करिए, आपको बीच में दिखाई देगा ग्रीन कलर का। हाँ से ओके कर दीजिए। हाँ ओके कर दिया हमने। दिख रहा है क्या कुछ? नहीं अभी तो कुछ नहीं पॉसिबल दिख। पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा इस पे दिखा रहा है होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। मैम मैम अभी पहले आप आपको होस्ट होस्ट नहीं होस्ट हैं। बनना पड़ेगा आपको पहले। यस मुझे होस्ट बनना पड़ेगा। होस्ट तो शुभम मैम है ना, मैम हम उनको बोलना लोग पड़ेगा, बनाएंगे। वो आपको बना देंगे मैम। चलिए कोई नहीं। स्क्रीन शेयरिंग होता तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते। मैम आप कह दीजिए मैम से, आपको होस्ट बना अच्छा दे। अच्छा हेलो मैम, इसमें आप मुझे होस्ट बना देंगे तो स्क्रीन शेयर हो पाएगा? अभी डिसेबल्ड दिखा रहा है। हाँ ठीक है। मैम हो गया, अब आप शेयर कर लीजिए। क्या ओके शेयर हो रहा है क्या? अब दिख रहा है। यस मैम। चलिए तो अब मैं, अभी तक हमने जो लास्ट क्लास में आप लोग को पढ़ाया था, तो पहले तो रिवाइवलिज्म इन इंडिया, भारत में पुनर्जागरण कला का किस तरीके से प्रसार प्रसार हुआ, कैसे विस्तार हुआ, ये सारे विषयों को हम लोगों ने देखा था। बंगाल में, बंबई में, उसके अलावा जयपुर में और भारत के अन्य शहरों में, अन्य राज्यों में किस तरीके से पुनर्जागरण कला अपने चरम पर पहुंची थी। ठीक, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पुनर्जागरण का जो आंदोलन था उसके अः उसकी बहुत सारी जो प्रतिमान थे, जो उसके सौंदर्य शास्त्रीय तत्व थे और जिन विषयों को लेके कलाकार चित्रण कर रहे थे, उसको लेके एक कलाकार वर्ग था जो कि जो नए कलाकार आ रहे थे, उनके अंदर विरोध की भावना पैदा हो रही थी। उसके बहुत सारे कारण थे, उन कारणों को हम यहाँ पर देखने समझने की कोशिश करेंगे। वही वो कारण थे जिसकी वजह से आज की जो कला हम देख रहे हैं, समकालीन कला या आधुनिक कला या उत्तर आधुनिक कला, वो अपने विकास को कैसे आगे बढ़ती है। ठीक, तो भारत में आधुनिक कला का बढ़ता प्रभाव, ये पुनर्जागरण काल के बाद के समय को हम इसमें देखेंगे।
अब नेक्स्ट स्लाइड है, इसके क्या क्या कारण थे। ठीक, शास्त्रीय प्रतिमानों में कलाकारों की रुचि में कमी। तो हम जब पुनर्जागरण के काल की बात करते हैं तो उसमें जो शास्त्रीय प्रतिमान गढ़े गए थे, जैसे कि हमारे लिए आदर्श अजंता की कला थी, अजंता के चित्रों को हमने आदर्श बनाया, जो मुगल मिनिएचर है, राजस्थानी पेंटिंग्स हैं और पहाड़ी मिनिएचर्स है, इनके जो तत्व थे उनको हम लोगों ने और उसकी कला को हमने आदर्श बनाया और एक नए प्रकार की कला को पुनर्जीवित कर रहे थे 20वीं शताब्दी में। ठीक, लेकिन फिर एक समय के बाद जब कलाकारों के मन में इन सारे जो शास्त्रीय प्रतिमान गढ़े गए थे, इन शास्त्रीय प्रतिमानों को लेकर रुचि कम होती गई, उसके बहुत सारे कारण थे। एक तो अंतरराष्ट्रीयतावाद फैलने लगा, समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया अंतरराष्ट्रीयतावाद, कलाकारों के अंदर व्यक्तिवाद का एक की प्रवृत्ति बढ़ने लगी, और जो पश्चिमी कला प्रवृत्तियां थी, जैसे कि जितने वाद थे यूरोप में, उन वादों को लेके कलाकारों के अंदर बहुत ज्यादा रुझान देखने को मिलता है। तो पश्चिम की तरफ लोगों का झुकाव और पश्चिम के जितने कला आंदोलन थे उसकी तरफ लोगों का झुकाव, कलाकारों का झुकाव देखने को मिलता है। फिर अब 1940 के दशक का जो विनाशकारी अकाल था, बंगाल में अकाल पड़ा, तो उसका भी एक विभत्स रूप जब कलाकारों के सामने देखने को मिला तो उनके मन मस्तिष्क पे अब वो शास्त्रीय प्रतिमान आदर्श नहीं रह गए। उसका कारण यह था कि जितना भयावह रूप उन लोगों ने देखा, जनता को भूखे मरते हुए और बीमारियों से मरते हुए, तो ये हुआ कि अब जो शास्त्रीय तरीके से, जो जैसे कि बंगाल शैली में हम देखते थे कि देवी देवताओं के चित्र ज्यादा बनते हैं, तो उनके अंदर विरोध की भावना पैदा हुई कि अगर समाज इस तरीके से कष्ट में है, अकाल के समय में लोग भूखों मर रहे हैं, तो उस समय देवी देवताओं के चित्र बनाना और श्रृंगारिक विषयों पे चित्र बनाना उनको बहुत अनुकूल नहीं लगा। तो इस वजह से ये फिर वहां से विषय अपना बदलते रहते हैं, बदलना शुरू करते हैं। फिर 40 के दशक में ये विनाशकारी अकाल पड़ा, और 40 का दशक बहुत सारी घटनाएं उस समय होती हैं। स्वतंत्रता का जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसका जो संग्राम था, वो भी अपने चरमोत्कर्ष पर था, वो भी काफी उतार चढ़ाव के समय को देखते हैं। कहीं अंग्रेज जो होते हैं भारत की जनता पे अत्याचार कर रहे हैं अपना शासन और दबदबा बनाए रखने के लिए, फिर यहाँ की जनता है उनके विरोध में स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत लोग मारे जा रहे हैं, इस तरह के जो दृश्य उनको देखने को मिलते हैं, तो वहां से भी उनके मन पे और उनके मस्तिष्क पे इन सब चीजों का प्रभाव पड़ता है। फिर आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध का भी समय था, उसमें भी काफी नरसंहार देखने को मिलता है कलाकारों को। यही सब जो कारण थे, इन कारणों ने आधुनिक कला की ओर उन्मुख होने को प्रेरित किया समकालीन कलाकारों को। इन सारे कारणों में भी जो अकाल की भयावहता थी सबसे प्रमुख कारण था जिससे कलाकार प्रभावित हुए। उन कलाकारों में एक कुछ कलाकारों के नाम सामने आते हैं, एक हैं जैनुअल आबेदीन और आदिनाथ मुखर्जी। ये कलाकार बहुत ही क्या बोलते हैं, मुखर होकर इन विषयों को चित्र में दिखाते हैं, अपने चित्रों के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र है, जैनुअल आबेदीन का चित्र है फेमाइन सीरीज, जिसमें उन्होंने अकाल के समय में जो जनता थी किस तरीके के दृश्य उनको देखने को मिले थे, कितने कष्टकारक कि आधे से ज्यादा जनता भिखारियों की तरह रह रही थी। आप लोग जरा सा होल्ड कीजिएगा, मैं भी आ रही हूं।
माफ करिएगा, सुन रहे हैं आप लोग या फिर ऑफ करके चले गए? हाँ मैम, हाँ मैम, सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये एक बंगाल फेमाइन के ऊपर जैनुअल आबेदीन ने ये चित्र बनाए हैं। जैनुअल आबेदीन अकाल को लेके काफी मुखर तरीके से चित्र बनाते रहे। उसके बाद एक और चित्र यहाँ पर उपलब्ध है पारितोष सेन की, ठीक, ये पार्टीशन को लेके इन्होंने चित्र बनाया है। तो हमने बहुत ज्यादा इमेजेस तो इकट्ठी नहीं की है, कारण ये कि कई बार गूगल से जब मैं इमेज लेती हूँ तो वो कॉपीएबल नहीं होता है ना, तो जो मिल पाया उसको हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। ये पार्टीशन के ऊपर पारितोषन की पेंटिंग है। एक और है, आप बंगाल स्कूल के मुकाबले इन कलाकारों के स्टाइल में आप चेंजेस देखोगे, जो वर्किंग स्टाइल है पेंटिंग की, जो स्टाइल है वो अब काफी सीधे तरीके से बोल्ड वे में स्केचिंग करना और भाव को, एक्सप्रेशन को दिखाना सीधे तरीके से, उस तरीके के आपको स्केचेस और उस तरीके के वर्क्स मिलेंगे। रंगों का ट्रीटमेंट भी अलग है, और जबकि बंगाल शैली में काफी सोफिस्टिकेटेड वे में चित्रों को बनाया जाता था, लाइन के ऊपर उसकी फ्लुएंसी पे बहुत ध्यान दिया जाता था कि एकदम फ्लुएंट लाइन हो, लयात्मक हो, खूबसूरत हो, सुंदर हो, और विषय श्रृंगारिक हो तो किसी न किसी श्रृंगारिक विषय को या फिर देवी देवताओं के भावनात्मक चित्र बनाए जाते थे, भक्ति भाव से प्रेरित। फिर उसके बाद आप आते हैं, हम लोग कौन कौन से कलाकार थे बंगाल शैली के बाद से जो प्रमुख रूप से हमें दिखते हैं कि सीधे तरीके से आधुनिकता की ओर प्रवृत्त होते हैं और आधुनिक शैलियों में चित्रण करते हैं, जिसमें है पारितोष सेन का नाम आता है, एस एस रजा, लक्ष्मण पै, राम कुमार, विश्वनाथन, जोगेन चौधरी, सुनील दास, अंजलि इलामेनन, कृष्णा रेड्डी और अकबर पद्मसी और हिम्मत शाह। ये कुछ कलाकार हैं, इनकी पेंटिंग्स अगर आप लोग देखे होंगे तो आप कंपैरेटिवली समझ सकते हैं कि इनकी शैलियों में और पुनर्जागरण काल की कलाओं में क्या अंतर है। अब जो ये कलाकार हैं ऊपर जिनके नाम हम देखते हैं, ये अधिकतर इनमें से बहुत से कलाकार थे जो यूरोप की यात्राओं पर गए,
तो यूरोप की यात्राओं के दौरान उन्होंने वहां के जितने आंदोलन हैं, कलावाद हैं, और जो वहां के जो आधुनिक कलाकार थे उनकी कलाओं से वो प्रेरित होते हैं, और उनका साक्षात्कार होता है एक अलग ही तरीके की कला शैलियों से। तो उनको उनकी जो शैली है प्रभावित करना स्वाभाविक सी बात है। क्यों? क्योंकि वो नए नए एक्सप्रेशन के मीडियम्स की खोज में गए थे, जिसमें है सेजान, पिकासो, डीरेन, मातिस, स्योरा, मीरो, दूफी और मुंच। अब अभिव्यंजनावाद के कला शैली में आप देखेंगे कि मुंच का नाम काफी प्रसिद्ध है। उन्होंने बिल्कुल ही अलग तरीके के चित्र बनाए थे। अब जो ये कलाकार थे, इन लोगों ने एक अपने अलग ग्रुप बनाने शुरू किए। ग्रुप की क्लासेस हम ले चुके हैं, आर्टिस्ट ग्रुप जितने भी हैं वो हम आप लोगों को पढ़ा चुके, इसलिए हम यहाँ पर बहुत डिटेल नहीं देंगे आप लोगों को। तो फिर कलाकारों ने 1937 में यंग टर्क्स की स्थापना होती है, 1943 में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना होती है, और पैक की भी स्थापना की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे संस्थाओं की स्थापना की जाती है जो कि समकालीन कला को प्रोत्साहित और संरक्षित करने की दिशा में काम करते हैं, जैसे द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, फिर ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी, द एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कलकत्ता 1933, पंजाब फाइन आर्ट सोसाइटी लाहौर में था ये, और लखनऊ और मद्रास में भी कई ऐसे संस्थाएं स्थापित की गई थी जिसमें जिसके माध्यम से समकालीन कला को प्रोत्साहन दिया गया। अब जो है, आपके जो कलाकार हैं वो चित्रमय डिजाइन की भारतीय अवधारणा को नए माध्यमों के साथ तथा नई शैलियों में प्रस्तुत करने लगे। चित्रमय डिजाइन क्या चीज? जैसे कि पहले के जो हमने बोला ना कि सौंदर्य शास्त्र जो प्रतिमान थे, अब वो प्रतिमान बदलने लगे, और चित्रों को चित्रण स्थान में चित्रित करने के लिए कलाकार अलग तरीके के टेक्निक्स, विधा, और साथ में उनको डिपिक्ट करने का जो उनका तरीका था ड्राइंग करने का, वो चीजें अब उनकी बदलने लगती हैं, परिवर्तन दिखाई देता है। और जो भारतीय अवधारणाएं थी, भारतीय चित्रकला की जो भी अवधारणाएं हैं, उनको न्यू मीडियम्स में, जैसे कि पहले वाटर कलर में पेंटिंग कम हुआ करती थी, अब कलाकार वाटर कलर में पेंटिंग करना पसंद करने लगे, और इसके अलावा ऑयल में भी पहले पेंटिंग्स बनती थी, लेकिन ऑयल है, वाटर कलर है, गुआश है, ये सारी टेक्निक्स थी जिसमें अब कलाकार मुखर होकर सीधे ऑन द स्पॉट जाके पेंटिंग बनाना शुरू करते हैं, और उनके प्रत्यक्ष दृष्टि जगत में जो चीजें दिखाई देती हैं सामने, जिसके लिए वो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जैसे अकाल के प्रत्यक्षदर्शी हैं कलाकार, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रत्यक्षदर्शी थे ये लोग, तो उन सारी दृश्यों को ये अपने चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। अब कलाकारों में नए विचार सौंदर्य शास्त्र को देशज संवेदना के साथ, यानी कि वो पूरी तरीके से वेस्टर्न आर्ट को और वहां की जो कला आंदोलन थे पूर्णतः उसको कॉपी नहीं करते हैं, वो उससे इंस्पायर जरूर होते हैं, लेकिन जो यहाँ के भारत की जो संवेदनाएं हैं, मतलब भारतीय समाज में रहते हुए
नए विचार और सौंदर्य शास्त्र को देशज संवेदना के साथ, यानी भारतीय समाज में जिस जिस तरीके के समाज से कलाकार बिलोंग करते थे, वहां पर वो जिस तरीके की संवेदनाएं थी उस स्थान विशेष से, वैसी कलाओं को और उन्हीं भावनाओं को अपने चित्रों में वो व्यक्त करना चाहते थे। पश्चिमी तथा भारतीय सौंदर्य शास्त्रीय प्रतिमान के संश्लेषण के प्रति आस्थावान थे ये कलाकार, जो पश्चिम के कलाकारों की शैलियों से प्रभावित थे और भारतीय सौंदर्य शास्त्र जो प्रतिमान थे उनके और देशज जो संवेदनाएं थी उनको, उनके बीच इन लोगों ने एक बहुत अच्छा संश्लेषण स्थापित किया। अब आप देखेंगे कि इन कलाकारों ने न्यू मीडियम्स का इस्तेमाल किया, नए मीडियम का प्रयोग करना शुरू करते हैं ये कलाकार, जैसे कि ऑयल में, वाटर, गाश में, और नए नए विषय भी इनको ज्यादा प्रभावित करने लगे, जैसे सीधे आर्टिस्ट पोर्ट्रेट बनाने लगे। पोर्ट्रेट में भी किसी राजा महाराजा या बड़े आदमी का पोर्ट्रेट का कमीशन वर्क नहीं, उनके आसपास रहने वाले जो लोग थे उन लोगों के चित्र पोर्ट्रेट्स बनाना वो ज्यादा प्रिफर करते थे। जैसे कि अभी ऊपर की स्लाइड में हमने देखा कि किस आर्टिस्ट का देखा था, अभी एक स्लाइड देखा हमने पारितोष सुनकर, इन्होंने भी एक व्यक्ति का पोर्ट्रेट बनाया है। ठीक, पोर्ट्रेट्स, स्टिल लाइफ भी एक नया मीडियम था भारत में। स्टिल लाइफ जितने भी आर्ट कॉलेजेस थे उसमें इस मीडियम को, नए विषय को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर उसके बाद लैंडस्केप के भी चित्र बहुत देखने को मिलते हैं। ऑन द स्पॉट जाकर लोग सैरा चित्र जिसको कहते हैं, घूमते फिरते गए और स्पॉट पे बैठे और वहां का लैंडस्केप बनाया, जैसे कि मैंने देखा है कि बनारस में घाट पे बैठ के लोग पेंटिंग्स बनाते रहे हैं, वैसे ही इन कौन कलाकार, ये जो कलाकार थे ये बंबई के समुद्र के दृश्य या जो भी वहाँ आसपास के गांवों के अच्छे दृश्य होते हैं उनको साथ में अलग अलग शहरों में यात्रा करके, जैसे श्रीनगर गए, राजस्थान के जयपुर सिटी, ऐसे ऐसे जगहों पे जाकर ये चित्र बनाने का एक नया चलन शुरू हुआ था। इसके अलावा डेली लाइफ के चित्र भी बनाते थे ये लोग, वो भी ऑन द स्पॉट जाकर लोगों को देखना कि किस तरीके से समुद्र किनारे मछलियां बेचती हुई औरतें हैं या फिर फल बेचते हुए लोग हैं, इस तरीके से विषयों को लेकर उन्होंने चित्र बनाया, किसी मेले का या उत्सव का दृश्य है, ऐसे विषयों का भी चित्रण करने लगे थे चित्रकार। एक और जो विधा है जो सामने आती है, पहले आपके मतलब भारत में कला संस्थाओं में देखने को नहीं मिलती है, वो है मॉडल को सामने बैठाकर आदमकद छवि बनाने की शुरुआत। इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है और इसको कई आर्टिस्ट अपने स्टूडियो में मॉडल को बैठाकर और सामने बैठाकर पोर्ट्रेट्स बनाते थे। अब हम देखते हैं कि दैनंदिन जीवन और छवि में पारंगत चित्रकार। दैनंदिन जीवन जो है डेली लाइफ से रिलेटेड और पोर्ट्रेट्स विधा में जो बनाने में जो एक्सपर्ट आर्टिस्ट थे उनमें सबसे पहले नाम आता है पोस्तनजी बोमन जी, एम वी धुरंधर, ए एक्स त्रिनिदाद, एस एल हंदनकर, बी ए माली। ये तो चलो मुंबई में एक्टिव थे ये आर्टिस्ट, इसके अलावा मुंबई के अलावा अन्य शहरों में भी बहुत से कलाकार थे जो पोर्ट्रेट पेंटिंग करने में महारत हासिल किए। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस मैम। yes,
आप ये देख सकते हैं, स्क्रीन दिख रही है आपको, ये कुछ मास्टर आर्टिस्ट हैं पोर्ट्रेट्स बनाने में, जिसमें है कोस्तांजी बोमन जी की एक ये इमेज है, जिसमें पिंजरे में किसी चिड़िया से वार्तालाप, तोते से वार्तालाप करती हुई एक स्त्री का चित्र है। फिर उसके बाद आपको दूसरा दिखाई देगा, एक और पोर्ट्रेट है। मैं इनका मैंने वो फोटोज भी दिखा दीजिएगा। फोटोज दिख रही हैं आपको? स्क्रीन शेयर किया? नहीं मैम, नहीं नहीं नो मैम, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिख रही। फोटो नहीं दिख रहे, सिर्फ प्रेजेंटेशन दिख रही है। ओके ठीक ठीक रुक जाओ, देखती हूँ क्या इशू है। तो अभी नहीं रहा है सामने, स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड, स्टॉप शेयर। दिख रहा है क्या? यस मैम। दिख रहा है? हाँ मैम, अब दिख रहा है। अब देख सकते हैं आप लोग ये पोर्ट्रेट? यस मैम। ओके यस मैम। चलिए तो यहाँ पोस्तन जी की एक पेंटिंग आपको दिखेगी, क्योंकि ये सब कॉपीएबल इमेजेस नहीं है इसलिए हम इसको स्लाइड में नहीं ले पाए, जिसमें आप ये देखिए पिंजरे में तोता है, तोते से वार्तालाप करते हुए एक स्त्री आकृति दिखाई देती है, जिसमें रोशनी का, लाइट एंड शेड का कितना बढ़िया और सुंदर प्रयोग किया गया है। उसके बाद एक और है उनकी ही, उनका ही पोर्ट्रेट, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए एक व्यक्ति की, मेल फिगर की पेंटिंग बनाई गई है। एक पंजाबी महिला का बनाया हुआ चित्र है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसका थोड़ा हिस्सा दिख रहा है। ये भी पोस्तन जी की एक पोर्ट्रेट है, जिसमें ओल्ड मैन की का पोर्ट्रेट बनाया गया है। दिस इज मोर क्लियर। अच्छा, एक और है आर्टिस्ट त्रिनिदाद, त्रिनिदाद का भी नाम आता है इस, ये भी काफी मास्टर आर्टिस्ट है पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए, और ये लोग मॉडल्स को सामने रख के बनाया करते थे पोर्ट्रेट। ये आप विजिबल है आप लोग को? अच्छा, दिस वन इज द नेक्स्ट, त्रिनिदाद का एक और पोर्ट्रेट है। त्रिनिदाद को रेम्ब्रांट ऑफ द ईस्ट भी कहा गया है, आप लोग इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। चलिए अब क्या ये स्लाइड दिख रही है आपको? हाँ मैम, तो स्लाइड नहीं दिख रही मैम, स्लाइड नहीं दिख रही, मैं फोटोज ही दिख रहे हैं मैम, फोटोज दिख रहे हैं। ये बार बार इसकी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी इसके लिए। क्या करूं समझ में आ रहा। सुनील जी हैं क्या?
नहीं मैम, ये कैंसिल करके मैम कैंसिल कर दीजिए उसे। इसे कैंसिल कर दें, शेयरिंग करके दोबारा से शेयर करिए। अब क्या दिख रहा है आप लोग? मैम अब शेयर दोबारा कीजिए जैसे पहले किया था मैम। दोबारा करिए। ठीक। मैम बहुत झंझट तो है मैम ऑनलाइन क्लासेस। क्या करें, करना पड़ता है। हम लोग भी बहुत परफेक्ट नहीं है, जरूरत पड़ती है तो करने लगते हैं, नहीं तो फिर। नहीं मैम, अगर आपने 8-10 क्लासेस ले ली तो सीख जाएंगे। 8-10 क्लासेस ले, 6 हो चुकी है, 7 भी है। अच्छा मैं एक रिसर्चर के लिए 10-10 क्लासेस है क्या? सुपरवाइजर के लिए ना? हाँ, मैक्सिमम 10, मिनिमम 6। अच्छा, दैनंदिन जीवन और सभी में पारंगत जो चित्रकार हैं उसमें है पोस्तन जी, बोमन जी, एम विधुरंधर का भी नाम काफी प्रसिद्ध है। अगर मैं उसको इमेज दिखा पाती तो आप लोग को काफी अच्छे वर्क्स देखने को मिलते। और हल्दनकर, ये वाटर कलर पोर्ट्रेट बनाने में पारंगत थे। बट जैसे ये आपने जो राइटर बता रही हैं जैसे इनके, तो मैंने इनके एक एक दो दो चित्र बेटा, आर्टिस्ट हैं। हाँ सॉरी सॉरी, राइटर हाँ, मैं आर्टिस्ट हैं जो, मैं इनके एक एक दो दो पेंटिंग्स देखने को मिलती ना वो ठीक था। तो मैंने कुछ तो देखा है, त्रिनिदाद के दिखाए आपको और पोस्तन जी। हाँ ठीक है मैं, हम सर्च कर लेंगे। सर्च नहीं कर लेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. ये एम वी धुरंधर का सेल्फ पोर्ट्रेट है और राजा रवि वर्मा के बराबर इनको माना गया। ये उनके कॉन्टेम्प्रेरी भी थे। ये एम वी धुरंधर की डॉटर की पेंटिंग है। और जिस तरीके से देवी देवताओं के और ऐसे विषयों पर उन्होंने चित्र बनाए राजा रवि वर्मा ने, वैसे ही विषयों पे एम वी धुरंधर ने भी काफी पोर्ट्रेट्स बनाए, वर्क्स बनाए, पेंटिंग्स बनाए। ये है एम वी धुरंधर का खुद का वर्क सेल्फ पोर्ट्रेट, और ये एक और पोर्ट्रेट पेंटिंग है, मराठी लेडी, आप देख सकते हैं इसको। अरे मेरे अच्छे जो जेंट्स है ना, हाँ के मतलब लेडीज हैं ये जो पेंटर हैं, ये लेडीज हैं बेटा, कहाँ से आपको जेंट्स दिख रही हैं? मराठी लेडी लिखा तो है। मैं पेंटिंग समझ रहा था। काफी कंफ्यूज है। आ मैडम जी, और मराठी लेडी का की पोर्ट्रेट है एम वी धुरंधर की। तो ये तो पूरी तरीके से एकेडमिक स्टाइल में वर्क किया गया है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। बट इससे पहले जो पोस्तन जी, बोमन जी और त्रिनिदाद के वर्क थे, ये काफी मॉडर्निटी की तरफ आप जब आगे बढ़ते हो तब उस स्टेप में आप इनके वर्क्स देख सकते हो। इसके अलावा जो और हैं एस एल हल्दनकर, उनका वर्क हम देखते हैं। उनका तो ग्लो अप पोस्ट काफी फेमस है ना? हाँ,
ये आप देख सकते हैं द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ एस एल हल्दनकर, जिसमें इन्होंने अपनी एक अपनी पुत्री का ही पोर्ट्रेट बनाया है। ऐसी पेंटिंग में राजा रवि वर्मा की भी तो है, लाइट फैक्टर को दर्शाते हुए। हाँ हाँ एक और इसी स्टाइल की एक और वर्क है, स्वर्ण लक्ष्मण हल्दनकर, एस एल हल्दनकर, स्वर्ण लक्ष्मण हल्दनकर की वर्क है, आप इसे भी देख सकते हैं। तो ये भी राजा रवि वर्मा की कॉन्टेम्प्रेरी दिखा देख दिख रहे हैं। अब बी ए माली, ये है दिख रहा है आपको? यस मैम। ये माली का वर्क है, जो उन्होंने दो बच्चों के, जो कमल के फूल जिनके हाथ में है ऐसे बच्चों के, और एक बच्चे के हाथ में केले के पत्तों का पूरा गठर है ना, ऐसे एक पोर्ट्रेट पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। पर नेक्स्ट एक वर्क है इनका, जिसमें एक छोटी बच्ची है और उसके साथ में एक मोर है, ये भी काफी अच्छा वर्क है। नेक्स्ट वन इज, ये एक लेडी का पोर्ट्रेट है और एक पूरी तरीके से एकेडमिक स्टाइल में बना हुआ दिखता है, आप इसमें देखेंगे। ये भी वर्क काफी अच्छा है, और आप बीए माली के पेंटिंग में एक चीज देखने को मिलती है कि इन्होंने पैच वर्क में काम किया है, पूरी तरीके से एकेडमिक स्टाइल में काम नहीं किया है। स्लाइड दिख रही है आपको? यस मैम दिख रही है। अब जो हम देखते हैं कि ये कुछ आर्टिस्ट हैं जो पोर्ट्रेट की तरफ इनका झुकाव ज्यादा रहता है, जिसमें बीए वाली जो है मोटे तुलिका घात यानी मोटे मोटे ब्रश स्ट्रोक्स के थ्रू उन्होंने वर्क किए हैं, पोर्ट्रेट्स किए हैं, और हल्दनकर वाटर कलर में काफी अच्छा काम करते थे। ठीक, ये आर्टिस्ट हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं हम नए सृजन के माध्यमों का प्रचलन शुरू होता है इसके बाद, जिसमें हम पहले जो है ग्राफिक विधा को बहुत एक आर्ट फॉर्म के तौर पे नहीं देखा गया, बस प्रिंटिंग के सहजता के तौर पे देखा गया कि भाई किसी न्यूज़पेपर में या किसी बुक में इमेजेस हमें प्रिंट करनी है तो हम उसके आधार पर फिर कलाकार पेंटिंग्स बनाते थे या वर्क करते थे ग्राफिक मीडिया में। लेकिन अब इसको एक फ्री आर्ट वर्क के तौर पे जब लिया गया
तो हमें कई नई मीडियम्स देखने को मिलती है, जिसमें कास्ट कास्ट कला, लिथोग्राफ और उसके बाद एचिंग, एक्वाटेंट। इसमें भी जो कलाकार थे जिन्होंने ग्राफिक मीडियम में अच्छा काम किया, उसमें से नंदलाल बोस का भी नाम आता है, विनोद बिहारी मुखर्जी ने भी इस शैली में काम किया है, और मुकुल डे, जो कि मुकुल डे काफी ऐसे आर्टिस्ट थे जो कि विदेश गए थे, मेरे ख्याल से लंदन, लंदन गए थे और वहां से उन्होंने ग्राफिक मीडियम के जितने भी न्यू मीडियम्स हैं उसको सीख के आए और इंडिया में उसको इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। हाँ, लंदन से लौट के आए थे और इन्होंने प्रिंट मेकिंग विधा को प्रोत्साहन दिया। मुकुलडे ने एचिंग, एक्वाटेंट तथा अन्य ग्राफिक माध्यमों में आधुनिक तकनीकों को प्रोत्साहन दिया। फिर रविंद्रनाथ चक्रवर्ती और हरेन दास के भी वर्क हम देख सकते हैं, काफी अच्छा काम किया था इन कलाकारों ने। आप लोग होल्ड कीजिएगा, फिर बेल बजिए मेरे घर की। सुनाई दे रहा है? यस मैम। तो न्यू मीडियम्स से इंट्रोड्यूस होते हैं आप कलाकार, जिसमें ग्राफिक है, जिसमें वुड कट, लिथोग्राफी, एचिंग, एक्वाटेंट, इन मीडियम्स में आर्टिस्ट काम करना शुरू करते हैं। और अब हम जिसमें से शुरुआत करेंगे हरेन दास के वर्क से। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? मैम पीपीटी दिख रही है, मैम दिख रहा है, मैम दिख रहा है। उन्होंने वुडकट में बहुत ही बेहतरीन काम किया है, आप देखते रह जाएंगे, देखने से कभी मन नहीं भरेगा, इतना सुंदर काम है। और इन्होंने जो आसपास का जो दैनिक जीवन है, इसमें श्रम करने वाले मजदूर हैं, घरेलू दृश्य है, संथाल परिवार है, ऐसे विषयों को इन्होंने चुना है।
ये संथाल परिवार को दिखाया इन्होंने। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं एक महिला है पूजा करते हुए दिखाई गई है। इसमें एक किसान है जो कि नदी से अपने नाव को खेते हुए जा रहा है, और काफी सुंदर तरीके से बनाया है इन्होंने। घास की जो वुड कट में जितनी फाइननेस है, उस फाइननेस को आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बनाया है। ये एक बच्चा है जो कि कागज की नाव पानी में तैरते हुए दिखाया गया है, इसमें तैराते हुए दिखाया गया है। एक ये है, आप पहले खेतों में पानी किस तरीके से दिया जाता था, ट्यूबवेल और पंप नहीं हुआ करते थे, तो इस तरीके से दोनों तरफ मजदूर खड़े होते थे और रस्सी से एक ऐसा साधन होता था कि पानी खींच के उसको गोल सा घुमाते थे और खेतों में पानी फेंका जाता था। ये एक दृश्य है, और इसमें आप पर्सपेक्टिव, आसमान, पानी के लहर, ये सारी चीजों को बहुत ही सुंदर तरीके से, ये छोटे घास, जमीन को भी बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने इसमें वुडकट में दिखाया है। काफी बारीक काम है मैम इनका। हाँ, बहुत ही सुंदर काम है। इतना बारीक काम कोई सामान्य तरीके से और मध्य में नहीं कर पाता, उन्होंने वुडकट में इतना सुंदर काम किया है। और ये भी है, एक घरेलू महिला का दृश्य दिखाया गया कुएं से पानी निकालते हुए। संभवतः ये संथाल लेडी है। फिर आप ये भी देख सकते हैं घर में खाना पकाते हुए। तो एक तो विषयों के आधार पर विषय का जो चुनाव करते हैं कलाकार, और माध्यमों का चुनाव करते हैं, इस सारी चीजों में आपको परिवर्तन दिखाई देता है। ये एक कलर्ड प्रिंट है, ये भी काफी सुंदर है। घर में चाकू को धार देते हुए दिखाया गया है। ये एक लैंडस्केप का पेंटिंग है, ये भी बहुत सुंदर बना है। ये भी, इसमें आप लाइट एंड डार्क का कितना सुंदर प्रयोग किया गया है, इसे आप पहचानते हैं ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? कोई पहचानता है? कुछ देवेंद्र जी, वगैरह कूटने के लिए है क्या? तो क्या है? कुछ कूटने के लिए है क्या, मतलब बीज हाँ, वगैरह जो होते हैं उससे कुछ इसको अनाज आप लोगों ने निकालने पता नहीं देखा या नहीं देखा, हमने अपने बचपन में देखा, इसको ढेका बोलते थे। ये जो यहाँ पर होल दिख रहा है, ये गड्ढा होता है यहाँ। ठीक, उस गड्ढे में जो भी अनाज है, धान है या जो भी अनाज है, वो डाल दीजिए, और इस लट्ठे के यहाँ पर ये इस होल में चला जाता है। ठीक, और इस पे पैर रखते हैं तो ये उठता है, और पैर जब हटा देते हैं तो ये जो लकड़ी का लट्ठा है, ये इस होल में जा गिरता है। इससे क्या करते थे, उस समय कुटाई की जाती थी, धान की कुटाई है या फिर जो भी अनाज है, बाजरा है या जो भी अनाज है, उसकी कुटाई करने का ये तरीका होता था। जब तक मिल नहीं आए थे, तब तक हर घर में ये एक ठेका हुआ करता था। कहीं और पे इसको कुछ और कहा जाता होगा, हमारे यहाँ इसको ढेका कहते। ये भी जगन्नाथ मंदिर का ही है, टेंपल का दृश्य है। ठीक, एक वर्क और है यहाँ पर। तो ये हुआ हरिदास का वर्क। अब नेक्स्ट जो आर्टिस्ट है, देखिए कौन है। रमानंद चक्रवर्ती।
रामरेंद्र चक्रवर्ती जो थे ये दिल्ली पॉलिटेक्निक में के कला विभाग के प्रमुख थे, ठीक। फिर बाद में ये कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में प्रिंसिपल बन गए थे और इन्होंने भी प्रिंट मेकिंग विधा में अच्छा काम किया था। ये देख लीजिए, ये वुडकट मीडियम में बना हुआ है और इसको देखने के बाद कोई कह नहीं सकता है कि ये वुडकट मीडियम में काम हो सकता है। काफी सुंदर काम है, दिख रहा है आप लोग को साल भी? यस मैम, यस मैम। ये भी एक वर्क है आपको, जिसमें संथाल परिवार है और एक सिर पे गठर और टोकरी लिए जाते हुए दिखाया गया है और ये ग्रामीण दृश्य है, ये भी आप देख सकते हैं। संथाल परिवार पे काफी लोगों ने बनाया है। देखिए ये बंगाल में संथाली जो है एक आदिवासी जनजाति आसपास शांति निकेतन के और उसके आसपास रहती है, तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक बात है कि कलाकार आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। तो इनके दैनिक जीवन की जो दिनचर्या होती थी, काम पे जाना, जैसे मिल कॉल एक स्कल्पचर है वो भी संथाल परिवार के ऊपर ही है कि जब मिल की हॉर्न बजती है और वो किस तरीके से दौड़ते हुए जा रहे होते हैं अपने काम के लिए, तो वैसे इनका भी आप देख सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर रहे हैं और संथाली जीवन का संघर्ष भी होता है वो भी प्रभावित करता है और इनका इनकी दिनचर्या इनका इन जो लाइफ का जो इनोसेंस होता है ये बहुत ही सीधी सादी जिंदगी जीना वो भी कई बार कलाकारों को बहुत प्रभावित करती है। ये कोई कॉन्टेम्प्ररी तरुण तोबरा मालूम नहीं, ये उनका ही वर्क है या नहीं ये नहीं कह सकते हम। तो ऐसे विषयों पे इन्होंने काम किया है। अब देखते हैं कि रामेंद्र चक्रवर्ती के बाद किसका नाम आता है। विनोद बिहारी मुखर्जी बिल्कुल ही निजी शैली में और अलग स्टाइल में काम करने वाले कलाकार हमें दिखाई देते हैं। उनका स्पेशली कोई ग्राफिक प्रिंट वाले वर्क हमें नहीं दिख पा रहे हैं अभी, है ना सर? हम नेक्स्ट देखते हैं कौन है। नंदलाल बोस ने भी काफी प्रिंट वर्क किया था। Thank you.
काफी बोल्ड तरीके से काम किया है नंदलाल बोस ने। यहाँ पर कृष्ण के बचपन का एक चित्र बना है, दिख रहा है आपको? यस सर। देवेंद्र दिख रहा है आपको? और ये भी एक गांधी हाँ के मैम। ऊपर, हाँ नंदलाल बोस का, इन्होंने नंदलाल बोस ने महात्मा गांधी का मैंने पेंट गुड़ में है किया। ना। हाँ बेटा, मैंने विनोद बिहारी मुखर्जी वही थे जो मतलब नेत्र जो अंधे व्यक्ति हाँ अंधे जी, आर्टिस्ट हाँ के रूप जी, है हाँ ना, इसीलिए देखा, इनकी पेंटिंग ज्यादा फेमस हुई है मैम। इसीलिए फेमस नहीं है वो, काफी बोल्ड तरीके से। देखो, कई बार कलाकार खुद स्वच्छंद तरीके से जब अभिव्यक्ति देता है बिना कुछ सोचे समझे, तभी उसका काम काफी सराहा जाता है। तो मैम ये जन्म से अंधे तो नहीं होंगे, बाद में ही तो हुए होंगे, क्योंकि हाँ जो ये पेंटिंग का है जो हमें ये दिख रहा है ना, तो ये एक सदे हुए कलाकार के हिसाब से लगता है ये ये जो पेंटिंग्स अभी आपको जो दिख रहा है, अभी जो आपको दिख रहा है, ये नंदलाल बोस का वर्क है। तो हम ये नंदलाल बोस का है। हाँ हाँ, इससे वो पहले तो जो मैं मैंने उनकी कह आपको रहा हूँ ना। हाँ दिखाया। हाँ हाँ ठीक, क्योंकि उसमें ये लगता है उस राइनोसेरस का पेंटिंग के एक हिसाब पल्प से। उन्होंने बनाया है, काफी अलग स्टाइल में देख लीजिए आप लोग। ये भी एक सुंदर सा काम है। तो ये तो उदाहरण हो गए कि किस तरीके से न्यू मीडियम को लेकर आर्टिस्ट अपना रुझान दिखाते हैं और नए नए माध्यमों में अपनी अभिव्यक्ति देने के लिए प्रेरित होते हैं। अब जो है, विषयों की दृष्टि से भी हम 1940 के दशक के आसपास देखते हैं कि कलाकारों का रुझान बदलता जाता है। पहले क्या था कि ऐसे विषय लिए जाते थे जो रोमांटिसिज्म पे आधारित होते थे, कल्पनाशील होते थे, भावना प्रधान होते थे, सौंदर्य प्रधान होते थे, इस तरीके के विषयों को दिखाया जाता था। अब जो कलाकार हैं, जो उनके आसपास के जीवन में, दैनिक जीवन में, उनके आसपास के परिस्थिति माहौल में, परिस्थितियों में, देश में होने वाली घटनाएं, ये जो प्रत्यक्ष दर्शी होते थे जिन घटनाओं के, जिस तरीके के दृश्यों के, वैसे विषयों को ये चुनते हैं कला सृजन के लिए। ठीक, और अब जो कलाकारों के अंदर एक नई भावना जागृत होती है वो ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रासंगिक होना चाहते हैं। प्रासंगिक का मतलब कि ऐसे विषयों को नहीं बनाना चाहते या चित्रित नहीं करना चाहते जिसका अब के समय में कोई प्रासंगिकता ना हो, उसका कोई मतलब ना हो। समझे आप? हाँ, तो ऐसे विषयों को वो लेकर चित्र बनाना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको दूसरी जो विशेषता दिखेगी कि न्यू मीडियम्स में पेंटिंग्स बनाते हैं, सब्जेक्ट में चेंजेस दिखाई देते हैं, और ऐसे चीजों के लिए जो कलाकार आगे आते हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है चित्र प्रसाद का, बीसी सान्याल का, के हेब्बर हैं, हुसैन हैं, सूजा हैं, राम कुमार हैं, सतीश गुजराल हैं और सोमनाथ होर हैं। ठीक, तो चित्र प्रसाद से भी आप लोग काफी परिचित होंगे, अच्छा काम किया है ये आर्टिस्ट ने भी, यस मैम, देखा है वर्क आप लोगों यस ने? मैम, देखा मैम। ये देखिए, मैम इनका वक्त काफी अच्छा लगा था मुझे। काफी अच्छा वर्क है। सीधे एक्सप्रेशन, बोल्ड एक्सप्रेशन के यस साथ मैम। इन्होंने, और इनका डिपिक्शन का तरीका भी काफी बोल्ड है।
उस तरीके से इन्होंने काम किया है। इसके बाद ये आसपास का जो भयावह दृश्य है ना, अकाल के दृश्य, उसको अभिव्यक्त करते हैं अपने चित्रों के माध्यम से। अब आप देखिए मदर एंड चाइल्ड, यहाँ पर जो एक चित्र है ये अनटाइटल्ड मदर एंड चाइल्ड, बॉय विथ अर्थन पॉट, मिट्टी के बर्तनों के साथ ही बच्चे, और भुखमरी की स्थिति, गरीबी की स्थिति को ही इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। ये चित्र प्रसाद का स्वयं का एक एक फोटो है यहाँ पर। ये भी एक वर्क है, दिस वन इज चित्र प्रसाद का 69 में बनाया है इन्होंने इस वर्क को। आप इसमें देख सकते हैं एक वृद्ध व्यक्ति को पूरी तरीके से हड्डियों का ढांचा, जो कंकाल जैसा शरीर होता है वैसे शरीर को दिखाया है इन्होंने। तो इनकी अभिव्यक्ति का जो तरीका है वो सीधे सीधे अब इसको किस कैटेगरी में रख सकते हैं, अभिव्यंजना में, अभिव्यंजना यथार्थवाद, अभिव्यंजना, हाँ यथार्थवादी है, और अभिव्यंजना भी आप इसको रख सकते हैं क्योंकि ये भावों को सीधे सीधे दिखा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये यथार्थवादी जाता है। आपने सही कहा। अच्छा, इनके चित्रों के माध्यम से एक चीज और दिखाई देता है, विद्रोह की भावना, मतलब आसपास की जो परिस्थितियां हैं उसके माध्यम से वो विद्रोह की भावना भी इनके चित्रों में दिखाई देती है, उस भाव को भी ये प्रदर्शित करते हैं। तुम सैटायर भी दिखता है इनके इनके आर्ट वर्क्स में। ये भी एक है कि आदिवासियों के बीच में एक विद्रोह की भावना पैदा होती है। फिर हंगरी, बंगाल, बंगाल का जो अकाल है उसको दिखाते हुए इन्होंने एक चित्र बनाया है जिसमें महिलाएं हैं आसपास, एकदम हड्डी का ढांचा रह गई है भुखमरी के कारण। ये बहुत ही विद्रुप्त चेहरा उन्होंने अकाल का दिखाने का प्रयास किया है। नहीं भाभी, हाँ बेटा, नहीं मैम कुछ नहीं, वो नहीं, नहीं मैम बोलिए। अरे वो बाहर से आवाज आ रही थी ना, मेरा स्पीकर ऑन। दिस वन इज ऑल्सो पोलिटिकल सटायर है इसमें, इस चित्र में। तो इनके काफी इमेजेस हमको देखने को मिलेंगे जिसमें उन्होंने, इसके बाद चित्र प्रसाद के बाद आपको सोमनाथ थोर का भी वर्क देखने को मिल सकता है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा आप लोग। हेलो, क्लास ले रहे हैं सर, बाद में बात करेंगे। ठीक है, सोमनाथ थोर का मोस्ट फेमस वर्क कौन सा है? मैम वुंड सीरीज। वुंड सीरीज, इसमें भी आप उनके वर्क को देख सकते हैं। उन्होंने भी अकाल के दृश्य को और आसपास की जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को दिखाने का प्रयास किया है।
ये काफी फेमस वर्क है। पेंटिंग का टाइटल तो नहीं दिया इसमें, आपको याद होगा ये किसी बुक में, इमेज में हमने देखा था। इन्होंने कुछ स्कल्पचर्स भी बनाए हैं जिसमें मदर एंड चाइल्ड द सेम पैटर्न, जिस स्टाइल में उन्होंने पेंटिंग्स बनाई हैं उसी पैटर्न में इन्होंने ये स्कल्पचर भी बनाया है, उसमें भी उसी भावनाओं को प्रदर्शित करना चाहे हैं। अकाल के दृश्य में जिस तरीके की आकृतियां उन्हें दिखाई देती थी, जिस तरीके के मानव दिखाई देते थे, वैसे ही भावों को दिखाने का प्रयास किया इन्होंने। दिस इज द वॉन सीरीज इमेज। वॉन सीरीज बनाने का तरीका क्या था उनका, कैसे बनाया था उन्होंने? मैम पेपर पल्प से प्रिंट लिया था उन्होंने। हाँ, पेपर पल्प को फिर क्या किया उन्होंने? मुझे पूरा प्रोसेस नहीं पता। पूरा प्रोसेस उनका काफी अलग था, इसी वजह से ये काफी फेमस हुआ था। मेरे ख्याल से सीमेंट के एक प्लेट तैयार करते थे वो, और उस पे पेपर पल्प को ढालते थे, ढालने के बाद ये इमेज तैयार होता था। आवाज आ रही है? हाँ मैम बिल्कुल। ठीक ठीक, तो ये एक वर्क है। नेक्स्ट आर्टिस्ट को हम देखते हैं, सोमनाथ थोर के बाद हैं रामकुमार हेब्बर, ऐसे आर्टिस्ट के आपने वर्क देखे ही होंगे मेरे ख्याल से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और एक और तथ्य सामने आता है, जो प्रोग्रेसिव कलाकार हैं, मतलब प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप पैग के तथा भारत के अन्य आधुनिक कलाकारों को मार्क्सवाद विचारधारा ने अधिक प्रभावित किया, ये एक तथ्य देखने में आता है। जैसे कि सोमनाथ थोर का वर्क देख सकते हैं हम लोग, और अभी जो इनसे पहले एक आर्टिस्ट चित्त प्रसाद का देखा था हमने, चित्त प्रसाद का जो वर्क है वो पूरी तरीके से कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित दिखाई देता है। जैसे ये इमेज, ये उसका सीधा सीधा एक प्रूफ है कि इसमें किसानों का एक झुंड है जो कि जिसके हाथ में मार्क्सवादी किसी पार्टी का या किसी संगठन का एक झंडा है, जिसमें ये सिंबल जो होते हैं मार्क्सवादी विचारधारा वाले लोगों के सिंबल्स होते हैं, वैसे झंडे को लेके जुलूस के तहत ये आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कुछ कलाकार थे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के भी कलाकार, सीधे तौर से उससे वो जुड़े नहीं थे उस मुहिम से, लेकिन वो प्रभावित जरूर थे उनकी विचारधारा से। तो ऐसे लोगों की विचारधाराएं भी काफी प्रभावित होती हैं किसी एक आंदोलन के तहत। जैसे मार्क्सवाद का उस समय आंदोलन था, किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें मजदूर वर्ग जो है वो जिन भी खेतों पे काम करते थे तो अपने मालिक के प्रति उनके विद्रोह हुए कि जो खेतों पे काम करेगा जमीन उसकी है, इस तरीके का एक आंदोलन चला था कभी, और उसी के तहत वो पेंटिंग आपको चित्त प्रसाद की देखने को मिलेगी। दूसरी मार्क्सवाद की तरफ झुकाव होने का कारण ये भी था कि आप लोग को अब स्लाइड दिख रही होगी ना, एक सेकंड में शेयर करती हूँ। दिख रहा है? यस मैम। तो उनके जो प्रश्न होते थे या उनके जो संशय हैं, जाहिर सी बात है कलाकार बहुत ही संवेदनशील होते हैं, तो आसपास के होने वाली घटनाएं उनके मन मस्तिष्क पे जब असर डालती हैं तो उनके मन में बहुत सवाल होते हैं। उन सवालों का जो उत्तर है वो उत्तर उन्हें मार्क्सवाद की विचारधारा में प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उनका झुकाव मार्क्सवाद की तरफ होता है। देश का विभाजन भी महत्वपूर्ण, चूंकि इसमें टाइपिंग काफी गड़बड़ हो गई,
देश का विभाजन भी महत्वपूर्ण कारण था जिसने कलाकारों के मन मस्तिष्क को झकझोर कर रख दिया। जब आपको मालूम ही होगा कि विभाजन के समय लाहौर पाकिस्तान और भारत अलग हुआ, और इधर बंगाल की तरफ भी विभाजन का ही दृश्य हमें देखने को, दोनों तरफ क्या है, मारकाट और सांप्रदायिक दंगे बहुत हुए। तो ऐसे जो दृश्यों को से जब उनका रूबरू होते हैं कलाकार, तो जाहिर सी बात है कि अब वो सौंदर्य के अधीन और श्रृंगारिक विषयों को चित्र करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उनका फिर ये रहता है कि अब जिस तरीके के दृश्य वो देख रहे हैं वैसे दृश्यों को ही वो अपने चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्त करें। अब इसमें जो है इस तरीके के दृश्यों को, विभाजन के दृश्यों को दिखाने के लिए जो आर्टिस्ट हैं उनके, ये दो आर्टिस्ट हैं, पी एन मागो और सतीश गुजराल, इनके वर्क का हम उदाहरण ले सकते हैं। आप देख सकती हैं ये चित्र आपको दिख रहा है पेन मागो का, या स्लाइड ही दिख रहा है, रुक जाओ मैम अभी ये शेयर स्लाइड कर। दिख रही है। हाँ ठीक, दिख रहा है। यस मैम। ये एक पेंटिंग है पी एन मागो की, रूमर्स, रूमर्स करके, जैसे कि मान लीजिए विभाजन हो रहा है और उस समय कैसे गांवों में आसपास के माहौल में किस तरीके के दृश्य देखने को मिलते हैं, इस ऐसे दृश्यों को उन्होंने, पी एन मागो ने अपने चित्रों में दिखाने का प्रयास किया है। एक नागो की ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है, बिल्कुल भी कॉपीएबल नहीं थी ये, मैंने बहुत कोशिश की। जब किस तरीके से महिलाओं का विलाप होता है विभाजन होने पर, जाहिर सी बात है जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान के क्षेत्र में रहने वाले लोग भारत में आना, अपना सब कुछ छोड़कर, जमीन, सारे रिश्तेदार नातेदार सबको छोड़ते हुए, एक वहां से उठकर दूसरी जगह जहां पर उनका अपना कोई घर नहीं, कोई जमीन नहीं, कुछ नहीं, विस्थापितों की तरह जीवन यापन करना, तो कितना कष्टमय था उनके लिए। यहाँ के लोगों को पाकिस्तान भेजना और वहां के लोगों को इधर हिंदुस्तान आना पड़ा, और उसके बीच में सांप्रदायिक दंगे जो होते रहे, इसका बहुत ही भयावह दृश्य देखने को मिलता है। तो कलाकार ने जब ऐसे दृश्यों को देखा, शायद वो खुद भी भुक्तभोगी थे, तो उन्होंने इसको चित्रित किया। एक और वर्क है पेन मागो की, फेयरवेल करके, जैसे कि युद्ध जब होता है, युद्ध की घोषणा हो जाती है और सैनिकों को का बुलावा आ जाता है कि आपको अपनी ड्यूटी पर युद्ध में आना होगा, युद्ध के लिए। तो जब ये अपने अपने घरों से निकलते हैं तो उस समय कैसे दृश्य होते हैं, ऐसे दृश्य को दिखाया गया है इसमें। पीएन मागो के बहुत ज्यादा चित्र तो हमें देखने को नहीं मिलते हैं, वो दो चार हैं, क्योंकि काम उन्होंने भी बहुत अच्छा किया था। जैसे प्राणनाथ मागो का एक और चित्र है, अब इसके विषय को मैं गेस नहीं कर पा रही कि किस विषय पर बनाया गया है।
ये आप देख सकते हैं। ये सतीश गुजराल का वर्क है। इसमें भी विलाप करते हुए महिलाओं को ही दिखाया गया है। विभाजन के समय का दृश्य है ये, इसे भी आप देख सकते हैं। दिख रहा है? यस मैम। विलाप करते हुए लोग, ये भी एक अच्छा दृश्य है। अच्छा मतलब अच्छी पेंटिंग है। दिस वन इज आल्सो, विभाजन के समय टेंट के अंदर किस तरीके से जीवन बीतता था उस समय के लोगों का, वैसे दृश्यों को इन्होंने दिखाया है। तो ये हो गया सतीश गुजराल। अब हम ये देखते हैं कि 1940 और 50 के दशक में जब भारत में स्वतंत्रता की प्राप्ति हो जाती है 1947 के बाद, तो भारत को एक नए तरीके से गढ़ना था यहाँ के लोगों को। तो उस दौरान कला के क्षेत्र में भी कई ऐसे परिवर्तन और ऐसे क्रिएटिव चीजों को किया गया काम को, जिससे कला का उन्नयन हो और उसकी बढ़ोत्तरी हो या प्रोन्नति हो। ठीक, जिसमें हमको दिखाई देता है कि कला शिक्षा के तथा प्रोन्नति के नए संस्थान खोले गए। ठीक, प्रोन्नति के नए संस्थान खोले गए। विभाजन के तुरंत बाद तीन महत्वपूर्ण कला संस्थान अस्तित्व में आए। पहला है 1950 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, इसका नाम आता है। ये पंजाब में खोला गया था, जिसको तत्कालीन पंजाब की जो राजधानी थी वो शिमला थी, वहां पर बाद में ये चंडीगढ़ को स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक, फिर दूसरी संस्थान का नाम आता है, दूसरा संस्थान है दिल्ली का कॉलेज ऑफ आर्ट। दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट को पहले पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक कहा जाता था, और बाद में ये शिक्षा मंत्रालय को के अधीन हो गया।
और यहाँ पर जो अनुप्रयुक्त कला के नव निर्मित कोर्स चालू किए गए, अनुप्रयुक्त कला मतलब मेरे ख्याल से अप्लाइड आर्ट को ही कहते हैं, ठीक। और उसके बाद जो तीसरा है, ललित कला संकाय एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा, बड़ौदा विश्वविद्यालय में एक ललित कला संकाय की स्थापना की जाती है, और उसके साथ ही फिर 1950 में ही राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और ललित कला अकादमी, इन संस्थानों की स्थापना की जाती है, जिससे आपको आधुनिक कला को भी बढ़ावा मिला और आधुनिक कला में जो उस समय के जो समकालीन कलाकार थे और समकालीन कलाकृतियां थी उनके संरक्षण की दिशा में और उसको प्रोत्साहित और प्रोन्नयन करने की दिशा में, प्रोन्नति करने की दिशा में कार्य किए गए। आपको मालूम ही होगा कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है उसकी एक शाखा बंबई में भी खोली गई और उसके बाद बेंगलोर में भी उसकी एक शाखा खोली गई है। फिर 1950 में एक महत्वपूर्ण घटना ये होती है कि दिल्ली और बंबई के कुछ कलाकारों का दल या कुछ कलाकार इकट्ठे होकर, जिसमें जो कलाकार थे 8 की संख्या में थे, उन्होंने एक प्रदर्शनी आयोजित की एट पेंटर्स, ठीक। और ये प्रदर्शनी आयोजित की गई कहाँ पर, दिल्ली में आयोजित की गई इंडियन एंड ईस्टर्न न्यू सोसाइटी हॉल में आयोजित की गई। यहां से आपको ये दिखाई देता है कि इसमें जो कलाकार थे उन्होंने अभिव्यंजनावादी तथा अमूर्त प्रवृत्तियों की ओर अपना रुझान दिखाया और अमूर्तता की ओर उन्मुख चित्रण किया। इससे पहले हम देखते हैं 40 के दशक तक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग की तरफ किसी का रुझान नहीं होता है, सभी फिगरेटिव पेंटिंग्स बनाते हैं, भले ही मीडियम्स उनके अलग अलग हो, वाटर कलर हो, गुआश हो, ऑयल हो, या फिर नई टेक्निक जैसे ग्राफिक्स है, और स्केचिंग की तरफ लोगों का रुझान ज्यादा था, फिगरेटिव पेंटिंग्स ही लेकिन बनाई जाती थी। अब कलाकार अभी पूरी तरीके से अमूर्त चित्रण नहीं करते हैं, लेकिन उधर की तरफ उनका झुकाव दिखाई देता है। इस प्रदर्शनी जो ये प्रदर्शनी है एट पेंटर्स, इसमें जो कलाकार थे वे थे एनएस बेंद्रे, वीएस गायतोंडे, सतीश गुजराल, एमएफ हुसैन, कृष्ण खन्ना, के एस कुलकर्णी, राम कुमार और एमवी सामंत। इन्होंने अपनी प्रदर्शनी में खुद ये बात कही थी कि हम 8 कलाकार इस प्रदर्शनी में इसलिए एक साथ हैं क्योंकि कला तथा संप्रेषण की रीति में हमारी सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टि समान है, ठीक। हम यह मानते हैं कि किसी कलाकार की स्वतंत्र एकल प्रदर्शनी का उस कलाकार तथा जनता के लिए बहुत अधिक महत्व होता है। और इनका ये भी कहना था कि हम किसी एक शैली या किसी ग्रुप का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, हमारे कला के क्षेत्र में उद्देश्य समान है और हम भ्रातृत्व भाव से यहाँ पर स्वतंत्र पहचान बनाने के उद्देश्य से एग्जीबिशन या प्रदर्शनी कर रहे हैं।
उनका ये भी कहना था कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से विभिन्न दृष्टियां यानी अलग अलग दृष्टिकोण रखने वाले जो कलाकार हैं और अलग अलग पद्धतियों में काम करने वाला कलाकार हैं, वो भी साथ रहकर एक साथ काम कर सकते हैं। इन कलाकारों ने निजी अभिव्यक्ति की आधुनिक शैलियों मतलब खुद की जो अभिव्यक्ति है अपने स्टाइल में अपने तरीके से अभिव्यक्ति देने की और अपनी शैलियों में तथा चित्र भाषा का चुनाव किया था, ठीक, जो अभिव्यंजनावाद तथा घनवाद और अमूर्तनवाद के करीब था। फिर आगे देखते हैं 1960 के दशक में कलाकार घनवाद में गहरी दिलचस्पी दिखाते हैं। ऐसे कलाकारों में कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जैसे रामकिंकर बैस, एफ एन सूजा और रामकुमार, के जे सुब्रमण्यम आदि ये कलाकार हैं जिन्होंने घनवाद की तरफ अपने चित्रों में रुझान दिखाया। अच्छा, आपके कला में क्या 60 के दशक में आप देखेंगे कि घनवाद है या जो भी जिस तरीके से भी काम करते हैं, टेक्सचर की तरफ भी कलाकारों का रुझान बढ़ जाता है। ठीक। अब एक और तथ्य है मैम, टाइम हो गया। हाँ, ये घनवाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं। हाँ, टाइम हो गया बेटा, बस एक एक पॉइंट में आप लोग को बता दूं कि घनवाद की जो विशेषताएं थी मतलब घनवाद की तरफ कलाकार जब उन्मुख होते हैं तो वो किस तरीके की कलाकृतियां करते हैं। पहला तो उनके कार्यों में आपको विरूपण या डिस्टॉर्शन दिखाई देगा, ठीक, वस्तुओं का ऐंठना, ट्विस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उसको ट्विस्ट करके या उसको ऐंठते हुए ऐसे आकृतियां बनाते हैं। मैम, मेरा एक प्रश्न था मैम। हाँ बोलो बेटा। मैम, मेरा ये प्रश्न था मैडम, जो घनवादी जो चित्रकार जैसे पिकासो हुए या जैसे इंडियन पेंटर हुए, तो मैडम इन्होंने इस शैली को ऐसे क्यों दर्शाया, घनवादी क्यों दर्शाया, कुछ और भी तो दर्शा सकती थी, मतलब घनवाद क्यों? अब इस सवाल के लिए तो आप प्रभाववाद में भी आप कह सकते हैं प्रभाववाद क्यों। मैडम, प्रभाववाद में तो ये था कि मतलब वो अपना एक एक प्रयोग किया था उन्होंने उस शैली मतलब उस वहां से निकलकर एक नई शैली को जन्म दिया था, लेकिन यहाँ पे जो ये जो पेंटर्स थे जो ऑलरेडी और वादों में काम कर चुके थे ना, जैसे अभिव्यंजनावाद में जैसे उन्होंने वहां पे भी ये वर्क देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि जो ये बाद की चीज है, अभिव्यंजनावाद में तो काम कर ही रहे थे, ठीक, लेकिन जो एक चीज और है, आप जो कला के कला पर और कलाकारों के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो मात्र सिर्फ और सिर्फ चित्रण शैली में डूबे रहने पर ही नहीं होता है। उस समय आप देखेंगे आर्किटेक्चर दो था तब के समय का आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हो रहे थे, कम स्थान में कम जगहों में किस तरीके से बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की जाए, छोटी से छोटी जगहों में दुकानों का जो कंस्ट्रक्शन था वो किस तरीके से था, तो आपको उसी के जो कॉन्टेम्पररी चीजों में आप जब अध्ययन करते हैं तो देखते हैं किस तरीके से समाज में बदलाव होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे कलाकार बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होते हैं, जैसे कि अकाल का दृश्य कलाकार ने देख लिया, अब आप उससे कहिए कि वो बंगाल शैली में चित्रण करें तो वो नहीं कर पा रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति देने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं उस शैली में, तो उन्होंने अपने शैली में परिवर्तन किया जिसमें उस भाव को वो अभिव्यक्त कर सकते। जैसे कि अभी आप ये देखेंगे बंगाल फेमाइन का जो चित्र है चित्र प्रसाद का, या कौन आर्टिस्ट है ये
पारितोषसेन का, मेरे सामने उनकी स्लाइड खुली हुई है, तो उसमें जो स्केचिंग की है उन्होंने बोल्ड लाइंस में की हुई है और सीधी सीधी कोणीय रेखा दिखाई देती है, ना कि वक्रीय गोल आकृतियां नहीं है, कोणीय उसमें कोण दिखाई देता है और लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, जबकि बंगाल शैली में आपको ऐसी चीजें नहीं दिखती हैं। तो उसी तरीके से जब वेस्टर्न कंट्रीज में स्थितियां बदल रही हो, वहां भी ऐसा नहीं कि हर समय युग बड़ा अच्छा ही रहा, तो जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है कलाकार का उधर की तरफ झुकाव होता जाता है। अगर कोई कलाकार है जिसने अभिव्यक्ति उसकी ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें घनवाद उसके लिए सुटेबल नहीं है, घनवादी शैली में चित्रण करना उसके लिए सुटेबल नहीं है, तो वो नहीं करेगा। शुरुआत होती है सेजा से, घनवाद की शुरुआत कहां से होती है? सहजान तो मैडम वो अभ्यंजनावाद के कलाकार थे ना मैडम, उत्तर प्रभाव बाद के थे, लेकिन एक आप वक्तव्य सुनेंगे कि उनका कहना है कि वो किसी भी चीज को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे देखते हैं, मतलब जब वो लैंडस्केप बना रहे हैं उसमें एक घर है और एक पेड़ है, तो उसको हूबहू नहीं बनाना है, बनाते हैं वो उसको एक ऑब्जेक्ट के तौर पे देखते हैं और उसका जो कंस्ट्रक्टिव क्वालिटी है, मतलब उसका जो गढ़न है उसकी तरफ उनका ध्यान ज्यादा जाता है, तो उसको वो बनाते हैं। ठीक, तो उसमें जाहिर सी बात है जो घनवाद की जो पहले के जो तत्व हैं सेजा के कला में ही देखना शुरू हो जाता है। अब उसी का जो विस्तृत रूप या विकसित रूप कहेंगे हम घनवाद में देखते हैं कि कलाकार इसमें ऑब्जेक्ट के तौर पे देखते हैं, टेबल पे रखी हुई वस्तुएं भी उनके लिए ऑब्जेक्ट है, वहीं पे बैठा हुआ कोई मानव आकृति भी उनके लिए एक ऑब्जेक्ट ही है, उसको एक ह्यूमन फिगर के तौर पर बनाने के बजाय वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे बनाते हैं उसे। और फिर उसके बाद जिस तरीके से एक युग में क्या हुआ कि लोगों के अंदर मानवीय भावनाओं की कमी आती है, जैसे युद्ध का दृश्य देखने के बाद आपके अंदर एक ऐसा भाव आएगा कि मानवीयता तो बची ही नहीं, तो उस भाव को अभिव्यक्ति देने का जो एक अच्छा माध्यम कलाकारों को मिला वो शायद घनवाद मिला। तो क्लास को हम यही खत्म करते हैं, जो चीज हम आगे पढ़ाना चाहते हैं हम कल से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है? ठीक है मैम। यस मैम। ओके, कल भी मैम आप ही का लेक्चर मैम? हाँ शायद। ठीक है मैम, मैं लगातार मैम सैटरडे तक रहेगा तो मैम सिर्फ एक दो क्लास कह सकते हैं, ये तो मैम बताएंगे। अच्छा, लेकिन अच्छा, आज और कल का तय किया गया था। ठीक है, ठीक है मैम। थैंक यू मैम। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते बेटा।